spoken. Don't ever forget your. हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बिल्कुल DSLR जैसी फ़ोटोज़ कैसे ले सकते हैं. ये एक ऐसी ऐप है जिससे आप अपने फ़ोन में बिल्कुल DSLR जैसी फ़ोटो ले सकते हैं. सो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोलना पड़ेगा. ब्राउज़र खोल लेने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल कैमरा APK मिरर. अब सर्च कर लीजिए. सर्च होने के बाद आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा. तो साइट खुल गई है. इसमें आपको सबसे नीचे जाना पड़ेगा और आपको इनमें से आप कोई सा भी वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल कैमरे के वर्ज़न आपको अपने एंड्रॉयड के हिसाब से डाउनलोड करने पड़ेंगे. मतलब जो आपका एंड्रॉयड वर्ज़न होगा, जैसे 7.1, 6.0, लॉलीपॉप, 5.0, उस हिसाब से आपको अपने एंड्रॉयड वर्ज़न देख के गूगल कैमरा डाउनलोड करना पड़ेगा. सो मेरे पास यहाँ पे 7.1 है मेरा एंड्रॉयड. सो मैं इसमें से ये वाला देखता हूँ. पेज खुल गया है तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है सी अवेलेबल APKs. तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना पड़ा. आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड 7.1 और इसके ऊपर के एंड्रॉयड्स के लिए है बस. सो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा वेरिएंट्स के पास में. साइट खुलने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन यानी नीचे डाउन स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे जो डाउनलोड APK दिया है इस पर क्लिक करना है. ये लिख रहा है योर डाउनलोड इज डाउनलोडिंग इज स्टार्टिंग, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग गूगल कैमरा. अगर डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होती है तो आपको ये जो क्लिक हियर दिख रहा है यहाँ पे आपको टच करना पड़ेगा. टच करने के बाद ये डाउनलोडिंग ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, तो आप सिंपली ओके कर दीजिए और ये डाउनलोड होने लगेगा. गूगल कैमरा डाउनलोड होने के बाद मैंने इंस्टॉल कर लिया है. सो अपन ये गूगल कैमरा खोल लेते हैं. गूगल कैमरा खोलने के बाद जो ये आपको तीन लाइंस जो दिखाई दे रही हैं आपको इस पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद जो ये थर्ड नंबर पे जो ये लेंस ब्लर का ऑप्शन है आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट करने के बाद जो आपका जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है यानी जो भी आपका, इसको आपको बिल्कुल बीच में रख के फोटो क्लिक करनी पड़ेगी और आपको बिल्कुल बीच में रख के ऑब्जेक्ट धीमे से ऊपर करना पड़ेगा. देखिए राइट का ऑप्शन आया, राइट आ गया था तो फोटो क्लिक हो गई है. अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है. तो अब फोटो की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है. तो आपको जो ये कैमरे के लेंसेस आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा. क्लिक करने के बाद जितना आप अपने फ़ोटो को ब्लर करना चाहते हैं उतना इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा. आगे बढ़ाने के बाद अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब उस पर फोकस करना पड़ेगा और उसके फोकस करने के बाद सिंपली डन पे क्लिक कर देना है. ये रेंडरिंग करेगा. रेंडरिंग होने के बाद फ़ोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो चुका है. आप देख सकते हैं जैसे कि ये बिल्कुल DSLR के कैमरे जैसा दिख रहा है. मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ कि ब्लर कितने परफेक्टली हुआ है. देखिए ब्लर हर जगह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया है और फ़ोटो बिल्कुल DSLR जैसी लग रही है. आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरे से बिल्कुल इस प्रकार की फ़ोटोज़ ले सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।